नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पत्रिका सेजल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द पेपरिस्ट में। जैसा कि इस सप्ताह द पेपरिस्ट की टीम निकली थी, भारत में मौजूद भूत प्रेत आत्मा विश्वास अंधविश्वास से जुड़ी बातों के बारे में जानने के लिए, और हम निकले थे ऐसे भारत में ऐसे जगहों की तलाश में जहाँ के बारे में माना जाता है कि जहाँ का इतिहास इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो इस सफ़र में सबसे पहले हम गए भूली भटियारी महल जो कि था करोल बाग में, और आज हम आए हैं चाणक्यपुरी में मौजूद मलचा महल के मलचा जंगल के बीचों बीच मौजूद मलचा मार्ग में। तो चलिए देखते हैं क्या है इस महल से जुड़ा हुआ इतिहास और इस महल से जुड़ी हुई सुनी अनसुनी कहानियाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जंगलों के बीच से होता हुआ रास्ता जो इस महल की तरफ को आता है, इसमें कुछ किलोमीटर दूर से आप गाड़ी नहीं पार्क कर सकते, यहाँ से आपको जंगलों के बीचों बीच पैदल चल के आना पड़ेगा। और फिर उस रास्ते से हम आए हैं इस महल के मुख्य द्वार में। भूत प्रेत आत्मा लोक कथा और संस्कृत में अलौकिक प्राणी होते हैं जो किसी मृतक की आत्मा से बनते हैं। जैसा कि माना जाता है कि जिस किसी की भी मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती या वो पुनर्जन्म नहीं ले पाता है तो वो भूत बनकर इसी धरती पर भटकने लगता है। इसका कारण है हिंसक मृत्यु, इसका कारण कोई हिंसक मृत्यु हो सकती है या कोई इच्छा जो कि अधूरी रह गई है वो भी हो सकती है। भूत प्रेत में विश्वास पीढ़ियों से भारत के लोगों के दिमाग में गहराई से जुड़ा हुआ है और ये आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक विकास के युग में भी बना हुआ है। भारत में कई कथाएँ भूत से पीड़ित स्थान हैं, जैसे कि शाही मकान, किले, बंगले, घाट आदि। कई फिल्मों का निर्माण इस पर हो चुका है, मुहावरों के रूप में भी इनका प्रयोग होता है। हमारे देश में कई ऐसे किले हैं जिनका जिक्र आते ही रूह सिहर उठती है। हालांकि इनके साथ जुड़ी डरावनी कहानियाँ और कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन जिन जगहों पर स्थानीय प्रशासनों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। ऐसा ही एक किला है जो दिल्ली के चाणक्यपुरी जगह पर स्थित है। दिल्ली के रायसीना हिल्स के पास ही चाणक्यपुरी एरिया में मौजूद है ये मलचा महल। 1985 में भारत सरकार ने बेगम विलायत महल को इसका मालिकाना हक दे दिया था। इस टूटे हुए खंडर हो रहे चमगादड़ों से भरे महल के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 9 साल तक धरना दिया था। वो वहीं रहती थी। जब रेलवे के अफसर उनको हटाने आए तो उनके 11 कुत्ते ने उन पर झपट पड़े। पीछे से वो धमकी देती थी कि अगर कोई भी आगे आया तो सांप का जहर पीकर वो अपनी जान दे देगी। उनका कहना था कि वो अद्ब के नवाब वाजिद अली शाह के ख़ानदान की है, राजकुमारी है, और इस नाते वाजिद अली शाह का ये महल उनका ही हुआ। उस महल में छिपकलियाँ घूमती थी, कमरा तक घास उगी पड़ी थी, दरवाजे नहीं थे। 10 सितंबर 1997 में बेगम विलायत ने महल में 62 साल की उम्र में ही आत्महत्या कर ली। महल तो मिला पर बेगम बच्चों को छोड़कर चली गई। तब तक जमाना बदल चुका था। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में अंग्रेजों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। उनको कलकत्ता जेल में डाल दिया गया था जहां उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 26 साल गुजारे। जब 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली तब तक वाजिद अली शाह का खानदान इधर उधर पूरी तरीके से बिखर चुका था, पर कई लोग क्लेम कर रहे थे कि वो नवाब के खानदान के हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने नवाब के खानदान को कश्मीर में एक घर दे दिया था, पर 1971 में वो घर भी चला गया तो राजकुमारी अपने बेटे और बेटी के साथ लखनऊ आ गई। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस सरकार ने तो राजाओं के भत्ते भी ख़त्म कर दिए थे, तो उनके पुराने महलों को कैसे दे दिया जाता। इसी वजह से बेगम ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपना राज्य बना लिया था। बेगम के बेटे रियाज ने कहा था कि हम लोग रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, हम मांग करते हैं। तो इंदिरा गांधी के प्रॉमिस के बाद मलचा महल उनको दे दिया गया। फिरोज शाह तुगलक ने इस महल को 13वीं शताब्दी में बनाया था। जब नवाब शिकार करने आते थे तो इसी महल में रुकते थे।
बेगम की लाश 10 दिन तक उनकी स्पिट बैग्स पर पड़ी रही। उनके बच्चे मातम मना रहे थे। माँ की मौत के बाद बेटी सकीना ने सिर्फ काले रंग के कपड़े ही पहने। इस घर में ना बिजली थी ना पानी की सप्लाई। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के एक अफसर धर्मवीर शर्मा इस महल का निरीक्षण करने गए थे। एक सांप सीलिंग से उनकी बाह पर गिर गया। धर्मवीर ने उस वक्त कहा था कि अब मैं उस महल में कभी नहीं जा सकता। पता नहीं बेगम कैसे रहती है वहाँ पर, सिर्फ छिपकलियाँ, सांप और चमगादड़ रहते हैं। दोस्तों, ये था मालचा महल। इससे जुड़ी हुई कुछ ख़ास बातें, किस्से, कहानियाँ और इतिहास। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो यहाँ पे रात के टाइम में आने पे ही पता चलेगा, जिसकी परमिशन सरकार ने किसी को भी नहीं दी है, क्योंकि ये जगह देखने में जितनी दिन में हॉन्टेड है, इससे कई गुना रात में हॉन्टेड है। ऐसी और जगहें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। Thank you.